नमस्कार, मेरा नाम पार्वती है। मेरा नाम नारायण है और मैं प्रकाशम जिले के कानीगिरी मंडल का निवासी हूँ। हम शेड्यूल कास्ट हैं और हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव के समूह ने हमें POP योजना के अंदर हितग्राही के रूप में चुना और 10,000 रुपये का उधार भी दिया। पहले हम दोनों खेत में मजदूर का काम करते थे, लेकिन POP योजना के अंदर उधार मिलने के बाद हमने आधा एकड़ ज़मीन किराए पर लिया और उस पर खेती करने लगे। आधे एकड़ ज़मीन के एक चौथाई एकड़ पर हम सब्जी की खेती करते हैं और बाकी की ज़मीन पर हम श्री विधि से धान उगाते हैं। एक चौथाई एकड़ पर श्री विधि से धान करने के लिए हमें आधा किलो बीज की ज़रूरत होती है। हमने धान का रोपा तैयार करने के लिए नर्सरी लगाया और 10 दिन के बाद रोपा को खेत में लगा दिया। हमने पौधों के बीच ठीक दूरी बनाए रखने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया और एक जगह एक ही रोपा लगाया। रोपा लगाने के 10 दिन बाद हमने कोनो बीडर से खेत की निंदाई की। उसके बाद हमने सफ़ेद और पीले प्लेट, फेरमोन ट्रेप और चिड़ियों के बैठने के लिए टी आकार के डंडे लगाए। हमने सफ़ेद और पीले प्लेट पर ग्रीस लगाया जिससे कि कीट उनसे आकर्षित हो जाएं और उनसे चिपक कर मर जाएं। टी आकार के डंडे पर बैठने वाली चिड़िया फसल को नुकसान करने वाले कीट आदि को खा लेती है। कीट पतंगे आदि फेरमोन ट्रेप में फंसकर मर जाते हैं। इन उपायों से हमें पता चलता है कि कीट का कितना प्रकोप है। कीट के प्रकोप और स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग जैविक कीटनाशक घोल बनाते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। पिछले मौसम में हमने 21 बोरा धान उगाया। यह धान जैविक विधि से उगाया गया और इसके कारण बाज़ार में इसकी बहुत मांग है। दूसरे किसान के मुकाबले मेरा धान का भाव 200 से 300 रुपये ज़्यादा रहा। 4 बोरा धान घर में खाने के लिए इस्तेमाल किया और 27-28 हज़ार रुपये की आमदनी भी की। जैसे कि यह धान हमने बिना दवाई इस्तेमाल करके जैविक विधि से उगाया है, इस कारण इसकी मांग बाज़ार में बहुत है। अब तो दूसरे किसान भी जैविक विधि से खेती करने में रुचि दिखा रहे हैं। इस मौसम में यह फसल की कटाई का समय है। कीमती होने के बाद भी जैविक विधि से उगाए गए धान की बाज़ार में बहुत मांग है। कटाई होने से पहले ही ग्राहक मुझसे धान खरीदने के लिए संपर्क करने लगे थे। जैविक विधि से उगाए हुए फसलों की मांग हमेशा बाज़ार में होती है। बिना दवाई के जैविक खेती करना मेरे लिए एक लाभदायक धंधा साबित हो गया है। अब तो बगल के किसान ने भी श्री विधि से धान उगाना शुरू कर दिया है। हम जैविक कीटनाशक घोल खुद से बनाते हैं और खेत में छींटते हैं। कई समाचार पत्र ने मेरे जैविक खेती के प्रयास पर लिखा है। गांव के समूह के द्वारा दिया गया कम ब्याज का उधार मैं हर महीने 500 रुपये की किश्त से चुका रही हूं। यह बहुत ही कम ब्याज वाला उधार है और मैं इसे आसानी से चुका पा रहा हूं। बाकी के एक चौथाई एकड़ पर मैंने सब्जी की खेती की है, जैसे कि भिंडी, बैंगन, टमाटर। मैंने लते वाले सब्जी जैसे कि खीरा, करेला, गिलकी और पत्ते वाली सब्जी जैसे कि साग आदि भी लगाए हैं। फूलों का झड़ना रोकने के लिए मैंने नींबू के रस और अंडे के घोल का प्रयोग किया और फलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए
मैंने पंचगब्ब घोल का छिड़काव किया। हर दिन हम खेत से सब्जी ले जाकर बाजार में जैविक सब्जी कहकर बेचते हैं। दूसरे किसानों के मुकाबले मेरे खेत की सब्जी 1 से 2 रुपए ज़्यादा दाम पर बिकती है। हम हर दिन 400 से 500 रुपए सब्जी बेचकर कमा लेते हैं। पिछले 2 मौसम में मैंने सब्जी की खेती से 26,000 रुपए की आमदनी की। इस कमाई से मैंने 16,000 रुपए में 6 बकरियां खरीदी और 4 महीने के बाद उन्हें 41,000 रुपए में बेच दिया। इस साल भी मैं यही करने की योजना बना रहा हूँ। जैविक खेती करने के बाद से हम खुशियों से भरी जिंदगी जी रहे हैं। हम IKP और SERP को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी कर्ज को मंजूरी दी।